संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें। और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। कोडरमा जिले को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने की कवायद तेज हो गई है। 26 जनवरी तक जिले के 200 टोला को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए फंक्शन एंड न्यूमेरिक लिटरेसी कार्यक्रम के तहत लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है। 26 जनवरी तक जिले के 200 टोला को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में अब 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की मदद ली जाएगी। जूलियस एक्का नवंबर को नेशनल लिटरेसी डे था, तो उस दिन हम लोग 50 गांव को, हम लोग जो है 50 टोला और गांव मिलाकर को हम लोग पूर्ण रूप से साक्षर ग्राम सभा में ही गांव वालों ने ही किया था, हम लोगों ने उनको सम्मानित किया था। अभी लगभग 100 से ज़्यादा गांव, लगभग 110 गांव जो है, या टोला कह लीजिए, जो हम लोगों का पूर्ण रूप से साक्षर हो चुका है। हम लोग 26 जनवरी का टारगेट 200 टोला 200 गांव का दिए हुए हैं, तो अगर 26 जनवरी तक स्व घोषणा पत्र में उन लोग ग्राम सभा में ही खुद ही ग्रामीण ही घोषणा करते हैं, ये कोई ऊपर से चेक नहीं है जिसमें हम लोग बाहर से जाके कोई असेसमेंट करते हैं, लेकिन ग्राम सभा में सभी ग्रामीण मिलकर हस्ताक्षर करके ये कहते हैं कि हमारे गांव में अब कोई जो है अनपढ़ नहीं रह गया है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी सरकार का भी, जो भारत सरकार और राज्य सरकार का भी जो FNL का कार्यक्रम चल रहा है, फंक्शनल एंड न्यूमेरिक लिटरेसी, उस पर सभी विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहा है। एक नई चीज़ जिला प्रशासन करने जा रहा है वो है कि हम लोग डाइट कॉलेज से एक मॉड्यूल बनवाए हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को हम लोग वो मॉड्यूल उपलब्ध कराएंगे और उन बच्चों से हम लोग कहेंगे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने छोटे भाई बहन जिनको FNL नहीं आता है, बेसिक लिखना पढ़ना और गिनती नहीं आती, उनको सिखाना है, और ऐसे बड़े बुजुर्ग भी जिनको नहीं आता उनको सिखाना है। सर बोले कि नहीं, जब सब यहाँ सुरक्षित हो रहा है तो वही मतलब बच्चे लोग को भी पढ़ाना लिखाना सब चीज़ सिखाना मतलब ज़रूरी है, तो वही मतलब आए तो यहाँ मीटिंग हो रहा था, तो वही मतलब जितना गांव के लोग थे वही सब बोले पढ़ाने के लिए सहयोग दिया। मेरा घर से भी मतलब मेरे सास ससुर ये सब मम्मी पापा ये सब भी मतलब पढ़ाने के लिए बोले, तो हम मतलब पढ़ा रहे हैं। और मतलब स्कूल से बच्चा लोग पढ़ के आता तो यही खेलने वूलने चल जाता था तालाब उलाब तरफ नहाने वहाने के लिए, तो वही मतलब ऐसा मतलब 1 बजे छुट्टी होता है इन लोगों का, तो फिर 1 बजे से यहाँ फिर 2 बजे पढ़ने आ जाता, 2 बजे से हम लोग मतलब 4 बजे तक पढ़ाते, तो इन लोगों को उतना खेलने का मतलब टाइम नहीं मिलता, तो फिर यही मतलब 4 बजे भी छुट्टी होगा फिर बच्चा लोग सिखाना सतोजी पर हम अपना नाम लिखल सीखबे तो बाबा जी कबूल के लिए जोड़ा नारिया तो अपना नवा सीख गए भी पति के नाम भी सीख गए अब गाँव ठपा ना लगे सगरे सही कर उसी के बात है। और हमरे जैके भी गांव वाला दीदी लोग अभी सीख रहा है, उसी के बाद अच्छा लागू है अब साइन करू। हाँ डेली घर में भी लिखो एक बार भूल जीवे से लिखते रहो।
मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।